फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। कल हम लोग सब घूमने गए, बहुत रात हो गए आने में और सब बहुत थक गए, अभी भी सब सोए हुए हैं। मैं सोची आपसे गुड मॉर्निंग कर लूँ। अब कुछ छुट्टी है तो हर एक भी स्कूल बस नहीं दिख रहा है, सारे कार्स लगे हुए हैं। नेशनल डे की 3 दिन बंद है, इसलिए मैं सोची धूप में आ जाऊँ थोड़ा और आप लोगों से मॉर्निंग कर लूँ ना। आज की भी बहुत सारी प्लान है और ठीक है, फिर अभी मैं एडिटिंग कर रही थी, अब जा रही हूँ, बैठ के एडिटिंग करूँगी और जब तक सब उठते नहीं हैं तब तक मैं भी अपने काम कर लेती हूँ एंड फिर कुकिंग, फिर हम लोग जाने का प्लान है। चलिए फिर दिखाते हैं आज दिन भर की रूटीन। देखिए आज रोड कितना सन्नाटा है ना, सब रात भर सब। मुझे तो मन कर रहा था कल यूट्यूब पे लाइव आ जाऊँ, आप सबको भी दिखाऊँ कि कितना सब रोड में ना मस्ती कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, सब खुशियाँ मना रहे थे, बहुत मज़ा आया। लेकिन हम लोग ट्रैफिक में भी फंसे थे ना, तो रोड पे इतना एंटरटेनमेंट चल रहा था कि वो हाउस में भी बोर नहीं हो रहे थे, बहुत ट्रैफिक था। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को तो बहुत कम मिला, वरना ट्रैफिक को लेकर के तो हर जगह टिकटॉक पे लाइव सब दिखा रहे हैं ट्रैफिक, डर ही लग रहा था। हम लोग भी बहुत सोच के निकले, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था ट्रैफिक देख करके ना, इन लोग हिम्मत ही नहीं कर रहे थे। हम लोग तो उतना, जिसको गाड़ी चलाना है वो ज़्यादा सोचता है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छा रहा, ट्रैफिक बहुत कम मिला, हम हाफ एन आवर हार्डली मिला होगा जाते वक्त भी आते वक्त भी। हाँ, पर रोड पे तो एंटरटेनमेंट चल रहा था कि मज़ा आ गया। आज फिर दिखाते हैं आपको कि आज कहाँ जाने वाले हैं। पूरा रोड आज सन्नाटा पड़ा है। अब हम लोग रेडी हैं जाने के लिए, गाड़ी में सब बैठ चुके हैं और ये लड़की का कैप जो है ना ये मैं पहन रही हूँ, देखिए मेरा बेटा दे दिया हमको। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग सॉल्ट लेक जा रहे हैं, और उसमें हम लोग मस्ती करेंगे, पानी में बहुत ज्यादा है। तुम लोग सनस्क्रीन लगाए हो कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो लगाई हूँ। बाय, तो मिलते हैं हम लोग स्पॉट पे जाके। और हम लोग आज स्प्रे से मस्ती करने वाले हैं। क्या करने वाले स्प्रे से? मारने वाले याफू को। सबको मारने वाले हैं याफू को। इधर हम एक साइड से, एक विंडो से मून की व्यू ले रहे थे एंड अनदर साइड से सन की व्यू ले रहे थे, बट विंडो नहीं ओपन कर सकते थे क्योंकि ड्राइव कर रहे थे और बहुत फास्ट चलती है यहाँ कार। एंड नेक्स्ट अब हम देखेंगे कैमल, देखिए दूर कैमल जा रहा है ऊपर। मैं उसे जूम इन एंड जूम आउट कर रही थी कि किसी तरह से वो अच्छे से शूट हो जाए। इस एरिया में ना और कुछ भी नहीं है, ये पूरी सिर्फ डेजर्ट ही है इधर, और ये मिलिट्री जोन है एंड नो ड्रोन जोन है, नो ड्रोन जोन है जिसकी वजह से यहाँ बड़ा बड़ा बोर्ड लिखा हुआ लगा हुआ था हर जगह। यहाँ दूर एक ना कस्बा दिख रहा था छोटा सा, और अब हम पहुँच गए अलवदबा फॉसिल सैंड ड्यून्स, क्योंकि और यहाँ पे होने लगी सिक्योरिटी चेकिंग। ये एक स्कैन कोड दिए थे जिसे अपने मोबाइल से स्कैन करना था और फिर हमें एंट्री करने का परमिशन दिए वो। फिर अलवदबा फॉसिल सैंड ड्यून्स हम पहुँच गए क्योंकि हमारा सॉल्ट लेक जाना कैंसिल हो गया था। और अब हम पार्किंग के साइड आ गए, इस तरफ बहुत बड़ी सी एक पार्किंग एरिया थी, यहाँ हम अपनी कार पार्क करके अंदर की तरफ चले गए। यहाँ के ये थी कोड ऑफ कंडक्ट और यहाँ एंट्री फ्री थी। और हम अब अंदर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत वॉक करके अंदर जाना होता है, कुछ अलाउ नहीं होता है लेके जाना, लाइक खाना पीना एंड ऑल। अंदर में कैफेटेरिया टाइप का कुछ कुछ है एंड
बाहर का खाना अलाउड नहीं है। बच्चों को तो बस मज़ा ही आ गया था, खाली जगह मिल गया था दौड़ने के लिए, और मेरी मनहा तो बस लगी हुई थी रेत छूने में। बच्चों की तो इन्जॉयमेंट हो जाती है ना, कहीं जाओ तो बस उन्हें घर में तो दिल ही नहीं लगता, कहीं ना कहीं तो जाना ही है उनको। इधर बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी अब और सैंड स्टॉर्म भी अक्सर ही आ जाता है, हमें भी डरते हैं इधर, फिर भागने के लिए फिर जगह नहीं होता। देखने के लिए तो कुछ भी नहीं है, ये देख सकते हैं आप सामने सैंड ड्यून्स, और बट बहुत बहुत इंजॉय किए हैं, बहुत मज़ा है। आप पिक्स क्लिक करने के लिए बहुत सारे जोन बने हुए हैं, एंड स्टिल बहुत मज़ा आया, लाइक अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। जाना चाहिए, जो भी यहाँ हैं सब ज़रूर जाएँ, अच्छी जगह थी। ये देखिए सामने कैफे बना हुआ है, बैठने का स्पेस बना हुआ है, सब अच्छा खासा, बहुत सारे फ़ोटो खिंचाए हम, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे बट स्टिल मज़ा आया। डेजर्ट एरिया की वजह से जिस तरह शाम होती जा रही थी ठंड भी बढ़ता जा रहा था, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। तो हम अपनी वीडियो हम खुद कर रहे हैं, ये ना यहाँ बीच में कितनी अच्छी सी एक डोर बनी हुई, खाली एक डोर बना हुआ है ऐसे यहाँ फोटोज की एंड वीडियोस के लिए। फॉसिल ड्यून से निकल के उसी रोड पे एक मॉल थी, अच्छी प्राइस है सब चीज की। ये बाउल्स देखिए कितना प्यारा है, बहुत फ्लावर्स। वॉक कर कर के तो हमारा बुरा हाल हो गया था, बहुत ज़्यादा थक गए थे, पैर में दर्द हो रहा था, और मैं बच्चों को लेकर के वेटिंग एरिया की तरफ आ गई थी। हस्बैंड एंड भाई मेरे ब्लिंक करा रहे थे और बच्चे यहीं खेल रहे थे, और यहीं आज की व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत